ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। एनसीईआरटी वर्सेस प्राइवेट बुक पब्लिशर्स का मुद्दा अब और अधिक गंभीर मुद्दा बन गया है। जहां एक ओर स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को कंपलसरी करने की बात की गई, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिशर्स की एकजुटता और मेहनत ने सरकार द्वारा लागू किए गए कंपलसरी शब्द को हटवा दिया है। लेकिन अब भी स्कूल और टीचर्स की परेशानी यही है कि आखिर किसकी किताबें लगाई जाएं। बहरहाल प्राइवेट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन ने एकजुट होकर कसम खाई और वादा किया कि किसी भी स्कूल या संस्था को किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन सरकार की मनमानी और एनसीईआरटी की किताबें कंपलसरी करने वाले डिसीजन के खिलाफ उनके साथ खड़ा है। साथ ही प्राइवेट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने पेरेंट्स से अपील की है कि वो उन्हीं किताबों को चुने जो उनके बच्चों के लिए बेहतर है। कि क्या उनको अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है उसका चयन करें और बच्चों के भविष्य के हिसाब से जो किताब अच्छी है वो जो है टीचर्स बच्चों को बताएं। किसी भी दबाव में आने की उनको जरूरत नहीं। मैं की बात कहूंगा, स्कूलों को किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है हमारी एसोसिएशन उनके साथ पीछे पूरे तन मन धन से खड़ी है। हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं, हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, हमारे साथ टीचर्स भी हैं और हम सब आपके साथ हैं। किसी प्रकार के सर्कुलर से कहीं पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा स्कूल जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं। पहले से डिफरेंट पब्लिशिंग की किताबें लगाते हैं, डिफरेंट बुक्स लगाते हैं, जो करते हैं वो करते रहें और एनसीईआरटी कंपलसरी होती है उसको अपोज करें। हम लोग सब उनके साथ हैं। स्कूलों को किसी भी हरासमेंट का विक्टिम होने की जरूरत नहीं है। हमारी एसोसिएशन हर कदम पे जस्टिस के लिए उनके साथ है और जो भी मेरिट पे बेस्ट है बच्चों के इंटरेस्ट में, उनसे भी मेरा ये निवेदन है स्कूल वालों से, वही फैसला करें बच्चों के इंटरेस्ट में। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। हम सारे पब्लिशर इस अन्याय के विरुद्ध एक साथ हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर